इसमें उन कहावतों को बिल्कुल विपरीत साबित हुआ जैसा मैंने इसे परखा था, देखा था, समझा था, पहचान लिया था कि यह लड़का दूर तक पहुंचेगा, ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। हाँ, मेरे को लगता था ये टूट फूट का गेम है, अपना कहीं हड्डी वड्डी में लग गई तो दिक्कत हो जाएगी करके। जी, मेरे को नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, उत्तराखंड रत्न अवार्ड, देवभूमि उत्तराखंड आइडल अवार्ड। हमें बोल के जाता था मैं भी आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, और आता था कई घंटे में, और मिट्टी में सना हुआ आता था और पहचान में नहीं आता था। तो लाभांशु, हम उसी रेत पर आ गए हैं जहाँ पे आपने अपने कुश्ती की शुरुआत करी थी, और आपके चेहरे पर लगी मिट्टी ये दिखाती है कि आपको कितना प्यार है यहाँ से। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़र्क क्या है सर, ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल की जो कुश्ती लड़ी जाती है उसमें फ़र्क क्या है? सबसे पहली बात आपने कही कि मिट्टी लग रही है, तो मिट्टी तो एक मिट्टी से जुड़ा खेल है, पहलवानी कुश्ती प्राचीन खेल है, और पहलवानों का श्रृंगार मिट्टी कहा जाता है। हम कोई क्रीम पाउडर या ऐसी चीज़ नहीं लगाते, हम मिट्टी में ही खेलते हैं, मिट्टी में ही सो जाते हैं और मिट्टी में ही लड़ते हैं, मिट्टी से जुड़े इंसान हैं। और फ्री स्टाइल कुश्ती में हम पूरे शरीर के किसी भी अंग को पकड़कर हम वहाँ से दाव लगा सकते हैं, इसमें हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और ग्रीको रोमन में जो वेस्ट एरिया है, जो बेल्ट एरिया है जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, वेस्ट है, कमर, उससे ऊपर ऊपर हम दाव लगा सकते हैं, हम उसमें पैर को हम उसमें नहीं पैर पकड़कर हम उसमें दाव नहीं लगा सकते। अच्छा। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। आप सर किस तरह की कुश्ती करते हैं? मैं फ्री स्टाइल रेसलिंग करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, इस कुश्ती में कितने तरह के दाव पेच, जो आपके फेवरेट कुछ दाव पेच हैं वो जरूर बताएं। कुश्ती में बहुत तरीके के दाव पेच होते हैं, 70 दाव और 72 काट होती हैं। 70 दाव होते हैं और उनकी 2 काट ज्यादा, 72 काट होती हैं। और इसमें मेरा फेवरेट दाव एक साल्टो होता है, जो मैंने सबसे पहले आपको मार्कर दिखाया, जिसमें आदमी सीधा डेंजर पोजिशन में गिर के बाई फॉल, उसमें कुश्ती सीधा ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसे रोक कर, उसकी पीठ जमीन पे लगी हुई है और आप 5 सेकंड रोक देते हो, तो वो कुश्ती फिनिश हो जाती है। ऐसे ही कलाजंग दाव है, जो मैंने नीचे से ऐसे उठाकर ऊपर से लगाया था, वो कलाजंग दाव है। साल्टो दाव दूसरा है, और एक नीचे से मैंने आपको दिखाया फीतले, जो पैरों को दोनों कैची की तरह ऐसे जकड़ कर जो रोल घूमे, उसमें दो दो एक एक बार घूमने के 2 पॉइंट हमें एक बार में मिलते हैं, तो हम 5 बार अगर 4 बार अगर हम घूमते हैं तो 8 पॉइंट हो जाते हैं, और 2 पॉइंट नीचे गिराने के तो 10-0, और 10-0 पे कुश्ती फिनिश हो जाती है। जी सर, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो पुरुष होते हैं जो खेलते हैं, किन किन वेट कैटेगरीज में खेलते हैं, और महिलाएं खेलती हैं वो किन किन वेट कैटेगरीज में खेलते हैं? पुरुषों की कैटेगरी 57 kg से स्टार्ट होती है, 57 से लेकर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे 57, 61, 65, 70, 74, ऐसे डिफरेंट 86, 97 और उसके बाद 125, ये फ्री स्टाइल में है। और ग्रीको रोमन में 55 से शुरू होकर लास्ट कैटेगरी 130 kg है। और फ्री स्टाइल वुमेन रेसलिंग में सिर्फ एक स्टाइल होती है, फ्री स्टाइल वुमेन रेसलिंग में ग्रीको रोमन नहीं होती, और उसमें वेट कैटेगरी स्टार्ट होती है 48 से, और लास्ट वेट कैटेगरी वुमेन्स की है 76 kg। सर, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि खिलाड़ी की क्या, जैसे क्रिकेट में होता है कि आपका 10 साल 15 साल 12 साल का प्राइम होता है, तो ये कुश्ती में जो खिलाड़ी खेलता है उसका प्राइम टाइम कितने वक्त का होता है? एक स्पोर्टिंग लाइफ की जो जर्नी होती है वो कितने वक्त की होती है एक पहलवान की? देखिए, कुश्ती स्टार्ट करने की एज तो 8 से 10 साल बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें आप एकदम सडन मेडल नहीं जीत सकते। 5-6 साल तो आपको इसमें समझने में ही लग जाते हैं। अखाड़े में जब एक पहलवान आता है, लंगोट बांधनी सीखता है, तो 2 साल तो उसे लंगोट बांधने में ही लग जाते हैं। वो ऐसे ही खेलता है, अभ्यास करता है, थोड़ा माहौल में अपने आप को ढालता है। लेकिन एक जो प्राइम एज आती है कुश्ती की, पहलवान की, वो एक 18-19 साल से लेकर 30 साल तक, ये 8 से 10 साल का एक ये पीरियड है जिसे हम प्राइम टाइम कह सकते हैं, अपनी पीक पे जो पहलवान रहता है, मतलब 8 से 10 साल का जो। हाँ जी, हाँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, क्योंकि जो यंगस्टर आते हैं वो अच्छे होते जाते हैं, क्योंकि आपका ऐसा गेम नहीं है, इसमें फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, मेंटल फिटनेस भी जरूरी है, हर तरीके से आपको तैयार रहना होता है, चोट लगने का भी बहुत डर रहता है इसमें। कई पहलवानों, इतने अच्छे पहलवान जो मतलब अच्छे लेवल पे जा सकते थे, और लेकिन वो चोट लगने के कारण, क्योंकि कॉम्बैट गेम है, आपको पता है कुछ नहीं आप कह सकते, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कब आपके इंजरी हो जाए, और एक इंजरी हो गई उसके बाद और सर्जरी हो रही है, एक एक साल 2-2 साल उसमें आपके वेस्ट हो जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा था, मेरा अगला सवाल ही वही था कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ का खेल है ये, पर मेंटल फिटनेस के साथ साथ मेंटल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत पड़ती है? मायूस सा हो गया कि कहने लगा कि मैं ये मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये तो हार जीत तो चलती रहती है, तो मान गया था, ना लगा रहा। मेंटल सपोर्ट की इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
क्योंकि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, आप खुद मेंटली कितना स्ट्रांग है। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे आज ही चोट लग जाए और एक साल का मेरा रेस्ट हो जाए एक साल के लिए, तब मेरी फैमिली मेरा कितना सपोर्ट करती है? वो यूं कहें कि नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, और कर कर फिर ठीक करना, हो सकता है ठीक होने के बाद फिर इंजरी हो जाए, तो इसमें आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और मेंटल फिटनेस फिजिकल से ज़्यादा ज़रूरी है, या यूं कहें दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि भारतीय रेसलर्स जो हैं, जो भारतीय रेसलर्स परफॉर्म करते हैं और जो फॉरेन के रेसलर्स होते हैं या फॉरेन के जो पहलवान होते हैं, उनमें फ़र्क क्या है, क्या उनके सक्सेस रेट में कोई फ़र्क है सर? नहीं, अब हमारे इंडियन रेसलर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ओलंपिक लेवल, कॉमनवेल्थ में अच्छे मेडल्स हम जीत रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आगे भी अच्छा करने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोअर वेट कैटेगरीज के हमारे रेसलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और थोड़े हैवी वेट पहलवान उतना अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसा फ़र्क क्यों है सर? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे जो हैवी वेट रेसलर हैं उनका फोकस मिट्टी पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मिट्टी के दंगल हमारे यहाँ होते हैं, तो जिस पे हम कहते हैं सबसे बड़ी कुश्ती, छुट्टी की कुश्ती जिसे हम बोलते हैं दंगल में, तो लोग बड़े पहलवानों की कुश्ती देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुपर हैवी वेट पहलवान की, 100-120 kg की, और उसमें इनाम भी ज़्यादा होता है सबसे। तो हमारे जो हैवी वेट रेसलर हैं वो मिट्टी पे फोकस ज़्यादा रखते हैं इंस्टीड ऑफ मैट, क्योंकि उन्हें उधर से अच्छी इनकम भी होती है, और जो हमारे गांव देहात से जुड़े सब पहलवान हैं तो उनका उधर काफ़ी नाम भी रहता है, इसलिए। और जो लोअर वेट कैटेगरी के हैं उनके पास इतना ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो मैट पे ही ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। जी सर, मैं उत्तराखंड आया हूँ तो आपसे ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि हमने पुरुषों की बहुत बात कर ली, थोड़ा महिलाओं पर भी बात कर लेते हैं कि महिलाओं की जो कुश्ती है उसका क्या लेवल है उत्तराखंड में सर, फैसिलिटीज़? हाँ, उत्तराखंड में महिलाओं की कुश्ती का लेवल आप कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो है, या कोई भी ऐसी सुविधा या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सर सरकार कुछ उसके लिए कदम उठा रही है, कुछ कर रही है इसके लिए? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि मैंने 2-3 बार कोशिश करी है। हमने भी मिट्टी का एक अखाड़ा बनाया था ऋषिकेश में, तो उसमें मैट वगैरह, मैट के लिए और आधुनिक सुविधाओं के लिए सरकार से मैंने एक गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा मेरे को सहायता मिली नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं आगे सरकार इस पर कुछ सोचेगी, और सोचना चाहिए ज़रूर, क्योंकि अखाड़ा एक ऐसी जगह है, आप ऐसा मत सोचिए कि अखाड़े में आकर हर कोई पहलवान बनेगा या हर कोई मेडल ही जीतेगा, लेकिन अखाड़ा एक ऐसा मंदिर है कि इसमें आकर सबसे पहले युवा नशे से दूर रहेगा, क्योंकि जो अखाड़े में आता है उसे स्ट्रेंथ और स्टेमिना सब चीज़ चाहिए होता है, और वो हनुमान जी की पूजा करते हैं और ये नशा और शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो इसीलिए इससे यूथ को फ़ायदा होगा, वो अखाड़े से जुड़कर फिर वो चाहे किसी भी अपनी फील्ड में जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस उनकी, काफ़ी शरीर और हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सर आपने फिजिकल फिटनेस की बात करी, मेंटल फिटनेस की बात करी, तो पहलवान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ का खान पान भी होता है। हाँ जी, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम वहाँ चलें जहाँ पे आपने, आपके खान पान के बारे में बेसिकली हम जानना चाहते हैं, कैसा रहता है आपका खान पान और कितना इंपॉर्टेंट है डाइट? मेरा खान पान बेसिकली, मैं शाकाहारी हूँ, मैंने आपको बताया था, तो बेसिक मैं सिर्फ दूध, घी और इन चीज़ों पे ही ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, और यही मेरी डाइट का एक डेली रूटीन का हिस्सा है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ से मेरा दूध आता है और कहाँ, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, आइए आइए। हाँ, यही बादाम वगैरह, दूध, दूध का बहुत शौकीन है बहुत। कई बार तो ऐसा होता था मैं रात को फ्रिज में दूध ही नहीं रखती थी, क्योंकि ये पीता है ठंडा दूध, फिर ठंडा पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो भारी रहने देती थी। लाभांशु, हम डेरे पे पहुंच चुके हैं। हाँ, और आपने कहा था कि खान पान के बारे में हमने बात की थी कि एक पहलवान के लिए खान पान कितना ज़रूरी होता है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके खाने की जो हैबिट्स हैं उसके बारे में, और उत्तराखंड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं और खाने का स्वाद चख सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं शाकाहार हूँ और दूध दही मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो मेरा दूध इसी डेरे से यहीं से ही जाता था और आज भी जाता है, और यहीं से दूध जाता था, 5 किलो खाली इसी के नाम से जाता था, और देसी घी जो है खुद ही अपने हाथ से बना बना के भेज दे रहे, क्योंकि बाजार के घी से पहलवानी नहीं होती, पहलवानी होती देसी घी से। उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी जगह है, जैसे इधर एक गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक इधर जैन स्वीट्स के नाम से जंगल में दुकान है, मैं जब भी आता हूँ उधर गाजर का हलवा ज़रूर खाता हूँ, 1-2 किलो गाजर का हलवा खाए बगैर उधर मन नहीं भरता, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनता है और सबसे बड़ी बात है प्योर बनाते हैं वो। जी,
तो हमने लाबांशु भूतकाल की बात कर ली, वर्तमान काल की बात कर ली, अब थोड़ा भविष्य की बात कर लेते हैं कि भविष्य में आपके क्या क्या प्लान्स हैं अगर मैं कुश्ती की बात करूँ तो। और अभी तो ये मात्र खड़ा हुआ है, अभी तो इसकी रेस काफ़ी है क्योंकि इसकी उम्र भी कहीं ज़्यादा नहीं है अभी। और मैं ऐसी आशा ही है, मुझे उम्मीद भी है बल्कि, कि ये निकट भविष्य में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक और भारत का नाम हमेशा सदैव रोशन करता रहेगा। भविष्य में मेरा कुश्ती को लेकर आगे देश के लिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, और दूसरा एक उत्तराखंड में अपनी एक रेसलिंग एकेडमी बनाना जिससे युवाओं को मौका मिल सके, मेरे जैसे और युवाओं को, कि उन्हें उत्तराखंड में ही रहकर, ऋषिकेश में रहकर प्रैक्टिस करने का अवसर मिल सके और जिससे वो प्रदेश और देश का नाम आगे भविष्य में रोशन कर सके। आने वाले खिलाड़ियों के लिए जो कुश्ती करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल कुश्ती में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बच्चा ऊपर के स्तर पर पहुँचता है तो छोटे बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, जैसे बड़े भाई का छोटे बच्चे छोटे भाई अनुसरण करते हैं तो ऐसे छोटे बच्चे बड़े बच्चों का अनुसरण करते हैं। अब वो लाबांशु का नाम जानते हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, स्कूल की मैगजीन में पढ़ते हैं, उसका फ़ोटो देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लाबांशु जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। अब बच्चे लग रहे हैं रेसलिंग में, अखाड़ा बना हुआ है, वो कर रहे हैं अपना काम। देखिए कुश्ती एक हार्ड गेम है नो डाउट, लेकिन डर के आगे जीत है और हमें मेहनत करनी होगी, अच्छे से मेहनत करनी होगी और अपनी प्रैक्टिस के प्रति ईमानदार रहना होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अच्छा लाबांशु, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ यादगार लम्हे होते हैं, मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ यादगार लम्हों को हमसे आप साझा करें। ये दौड़ते दौड़ते आते थे रनिंग में भी, तो बाजी टाइम ऐसा हो जाता था कि यहाँ कच्चे दूध पी जाते थे, कभी 4 किलो पी गए, कभी 5 किलो पी गए दौड़ते दौड़ते रनिंग में, तो पी कर यहीं से फिर वापस रिटर्न होता था। जी बिल्कुल, मैं जॉर्जिया में एक बार रेसलिंग प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, लेकिन मुझे पता चला उधर एक ट्रक पुल इवेंट है और मैंने उधर 20 टन ट्रक पुल करा, 1 महीने मैंने प्रैक्टिस करी, वेट भी काफ़ी बढ़ाया, 135 kg उस टाइम पर मेरा वेट था और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया, वो काफ़ी एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरी लाइफ में। तो आपके पिताजी इंडियन आर्मी में थे और मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि क्या आपका कोई प्लान है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फ्यूचर में? मेरा बचपन से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का प्लान है और मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जल्दी मुझे भारतीय सेना का हिस्सा बनते देखेंगे और मुझे भी उम्मीद है कि मैं अपने देश के लिए और अच्छा कर सकूँ, क्योंकि अभी तक जो भी मतलब हमने करा है अपनी देश के लिए करा है और आगे भी भारतीय सेना में शामिल होकर अपने देश की रक्षा में कर सकूँ। लाबांशु, आपको न्यूजीलैंड कोचिंग का भी ऑफर आया था जिसको आपने डिक्लाइन कर दिया, एक क्लब में आपको कोच करने का मौका मिला था, उसके बाद आपको बिग बॉस 12 में भी ऑफर मिला था जिसको आपने फिर से डिक्लाइन कर दिया, इसका क्या कारण है, उसकी क्या कहानी है इसके पीछे की? न्यूजीलैंड मेरे को न्यूजीलैंड रेसलिंग फेडरेशन ने खुद मेरे को प्रैक्टिस पे बुलाया था और मैं उधर उनके इन्विटेशन पे गया था और उधर जाने के बाद उधर उन्हें काफ़ी मेरे संग प्रैक्टिस करके जूनियर बच्चों को अच्छा लगा, तो मुझे उधर से एक क्लब से जो हाई स्कूल क्लब था उन्होंने 3 साल के लिए मुझे कोचिंग के लिए ऑफर दिया था, जिसे मैंने डिक्लाइन इसलिए कर दिया क्योंकि मैं इतने दिन आउट ऑफ कंट्री नहीं रहना चाहता था और जो कोचिंग मैं बाहर देता वो मैं अपने उत्तराखंड या अपने इंडिया में कहीं पर भी अपने हिंदुस्तान के बच्चों को दे सकूं, अपने से जूनियर जो भी मुझे आता है। और रही बात बिग बॉस की, तो बिग बॉस के वक्त मेरा एक इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट था वो एशिया का, जिसके कारण मैं नहीं जा पाया क्योंकि जो कुछ दिया कुश्ती ने दिया और रेसलिंग फर्स्ट है, अगर वो टूर्नामेंट नहीं होता तो ज़रूर मैं उसमें जाता, लेकिन टूर्नामेंट के कारण मैं उसमें नहीं जा पाया। अगर आपको आगे मौका मिलता है, बिग बॉस का ऑफर आता है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? जी ये समय ही बताएगा, मैं इसमें आपको कुछ नहीं कह सकता अभी क्योंकि हमारे रेसलिंग टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, एकेडमी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटा सा मैसेज जो आप हर खिलाड़ी को देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी खेल से जुड़ा हो, चाहे बैडमिंटन से हो, टेनिस से हो, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज एक खिलाड़ी के लिए और एक यूथ के लिए ऑल ओवर, उसके लिए सबसे हमें एक नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एंटी ड्रग कैंपेन मैंने चलाए, वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस में भी मैं मलेशिया इंडिया मैंने रिप्रेजेंट करा, वहाँ एंटी ड्रग पर मैंने अपनी बात रखी क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, अगर वो स्वस्थ है तो वो हमारा देश स्ट्रांग जब ही होगा। तो नशे वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहकर एक एक्सरसाइज हमेशा एक रूटीन में करना और एक अच्छा खान पान और अपने बड़ों का सम्मान, मैं यही मैसेज सबको देना चाहता हूँ। जो ये वर्ल्ड पीस की आपने यात्रा करी थी, जहाँ पे आपने 32 देशों की यात्रा करी थी बाई रोड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके पीछे की क्या कहानी रही है?
32 देशों की मैंने यात्रा बाय रोड करी जो देहरादून से स्टार्ट हुई थी और यूनाइटेड किंगडम लंदन तक हम बाय रोड गए थे। 28,000 किलोमीटर इसमें मैंने पूरा ड्राइव करा था। ये एक पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हो आज रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर जो ये एक अराजकता का माहौल है, इसमें एक शांति का संदेश देने के लिए, मैसेज ऑफ पीस एंड लव, डेट कि हम सब एक है, वी ऑल आर यूनाइटेड, देयर इज़ वन वर्ल्ड वन रिलीजन ह्यूमैनिटी, एक धर्म इंसानियत, एक दुनिया एक धर्म इंसानियत, लव टू ऑल, इसका एक संदेश देने के लिए 32 देश हम गए थे, जिसमें हर देश के एम्बेसडर से हम मिले, वहाँ के लोकल लोगों से हम मिले, उन्हें शांति का संदेश देते हुए हम लंदन गए थे। मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूंगा, वैसे मैंने काफ़ी गुजारिश कर ली आपसे, कि आप मुझे उस कार तक लेकर चले, हमारी टीम को लेकर चले, जहां से आपने वो यात्रा ट्रैवल करी थी, जो 32 देशों की आपने यात्रा करी, और उसके पीछे की जो कहानी है उस कार को देख के हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, वो कार अपने आप में एक अजूबा बन चुकी है और काफ़ी लोग उसे दूर दूर से खुद देखने आते हैं, क्योंकि जो कार इतनी देशों में सफ़र कर कर आई है। जी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस कार के पास, आइए। बिल्कुल, पिछले सेगमेंट में लाभांशु हमने एक रोड ट्रिप का जिक्र किया था आपसे, जहां पर आपने 32 देशों की यात्रा करी और इस कार के थ्रू ही उन्होंने यात्रा करी थी, और इस कार को मैं मैजिकल कार बोलूंगा, जहां पे बहुत सारे स्लोगन्स और बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें समझाएं और ये कहानी क्या, ये माजरा क्या, ये क्या समझाएं। देखिए, ये एक विश्व शांति यात्रा शुरू करी गई थी हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक शांति का, भाईचारे का, एक प्यार का संदेश देने के लिए, जो देहरादून से मैंने शुरू करी थी, जिसमें हमें 70 दिन लगे। हम देहरादून से लंदन बाय रोड गए थे और 32 कंट्री, और इसमें हमने टोटल डिस्टेंस 28,000 किलोमीटर, तो 8,000 किलोमीटर हमने इसमें पूरा ड्राइव करा था। इसमें ये स्लोगन से लिखे हुए हैं, जैसे ये रशिया में लिखा हुआ है फॉर द बेस्ट, इसमें लिखा है बेस्ट विशेज फ्रॉम एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड, क्योंकि हम हमारे देश के जितने भी एम्बेसडर्स थे, हम उनसे मिलते थे, वो हमारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे जहाँ पर वहाँ के लोकल लोग शामिल होते थे और हम उन्हें पीस मैसेज देते थे। तो सबके ऐसे सिग्नेचर है, सब देशों से ये देख सकते हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान, इस्लामाबाद, हर लैंग्वेज में, इधर रशियन, आप इधर देख सकते हैं। हमें एक जर्मनी में पर्सन मिले थे जिन्होंने ये पीस मैसेज लिखा कि वर्ल्ड पीस इज अचीवेबल, ग्रीटिंग्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी थी, केसरी श्रॉफ यूएस से, आप देख सकते हैं, ऑल द बेस्ट, सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये प्राउड टू सी इंडियन रजिस्ट्रेशन नंबर इन सेंट पीटर्सबर्ग, और आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी पे, जैसे ये स्प्रेड पीस, और इधर आप देख सकते हैं ये स्प्रेड पीस, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, ट्रैवलिंग फॉर वर्ल्ड पीस, इस तरीके की एक ये पूरी यात्रा थी। और बहुत अच्छा एक अनुभव रहा रोड ट्रिप का, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद लाइफ टाइम में एक बार होने वाला एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला, और अलग अलग लोगों से, अलग अलग देशों के लोगों से, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेशक बॉर्डर्स हैं, अलग लैंग्वेज है, अलग संस्कृति है, लेकिन सबके दिल एक हैं, सब लोग दिल से जुड़े हैं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं हुई। हम लैंग्वेज भी नहीं जानते थे उन लोगों की, लेकिन फिर भी उन कई देशों में हमें मदद करा, क्योंकि रशियन देश हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, हमें उधर लैंग्वेज, क्योंकि उधर लोकल लैंग्वेज ही ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन जैसे मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, हम कजाकिस्तान में थे और हमने हेडलाइट ऑन नहीं करी थी, तो इतने में पुलिस आ गई और उन्होंने हमें रोक लिया। तो उधर एक शादी चल रही थी, उधर से लोकल पर्सन आए और उन्होंने हमें, पुलिस वालों को उन्हें समझाया, कन्वेंस करा कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमें इस चीज़ का इधर नहीं पता था, क्योंकि उधर डे में भी आपको हेडलाइट जलानी होती है, तो इसलिए फिर वो हमें अपनी शादी में ले गए, हमसे रिक्वेस्ट करी, हम उनकी शादी में, हमने खाना खाया, डांस करा, तो मतलब इतना प्यार पूरी दुनिया से मिला। सोच सकते हो, हम यहीं बैठे बैठे बात करते रहते हैं उस देश के बारे में, इस देश के बारे में, लेकिन जितना एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा बहुत मिला, सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब काफ़ी एक दूसरे को प्यार करते हैं। और ड्राइविंग में कई जगह एक डिफ़िकल्ट पार्ट ये था, क्योंकि हमारी जो कार्स होती हैं, ये इनमें राइट हैंड साइड पे स्टेयरिंग होता है, और यूरोप में और सब जगह ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेयरिंग होता है, तो डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी थी, लेकिन उनसे ओवरकम आकर मैं कहूँगा कि ये एक लाइफ टाइम जर्नी थी और वन टाइम होने वाली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक शांति का संदेश हिंदुस्तान की तरफ से दिया। ये आप इंडिया का फ्लैग देख सकते हो, और सिर्फ इंडिया का फ्लैग ही नहीं, हमने सब कंट्री, जिस कंट्री में हम गए उन सबका फ्लैग लगाया, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक यात्रा थी। ये इसका मतलब, ये बड़ा फ्लैग इंडिया का इसलिए था क्योंकि ये इंडिया से शुरू करी गई थी और हिंदुस्तान इस
हिंदुस्तान की तरफ से संदेश दिया जा रहा था। बाकी सब कंट्री में जिनमें हम गए, गाड़ी के आगे पीछे हमने छोटे छोटे फ्लैग उन देशों के भी सम्मान में लगाए, क्योंकि हर देश का अपनी जगह अपना एक सम्मान होता है। लवांशु, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी से हमारी टीम को काफी कुछ सीखने को मिला, अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें। जी बिल्कुल, मुझे भी आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, और ये जो स्पोर्ट क्रेजी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं आपसे आपकी पूरी टीम को, ओवरऑल टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करा है, और वो उनको लोगों के सामने आप उन्हें लेकर आ रहे हैं, उनकी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। तो मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, स्पोर्ट्स के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ये काम करते रहेंगे और ऐसी प्रतिभाओं को हमारे देश के लोगों के सामने लाते रहेंगे। और जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स क्रेजी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती है जब भी हम वीडियोस डालते हैं स्पोर्ट्स क्रेजी यूट्यूब चैनल पे। तो लवांशु, अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरा वक्त हो चुका है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।